सब्सक्राइब कीजिए जीएसएम शर्मा जी यूट्यूब चैनल को और साथ में दबा दीजिए बेल आइकन को ताकि मिल सके हमारा लेटेस्ट अपडेट सबसे आगे। दोस्तों हमारे पास एक ओप्पो का सेट है जिसमें नेटवर्क लॉक लगा हुआ है। ये नया सेट में आने के बाद, हमारे नेपाल में आने के बाद में इसमें नेटवर्क लॉक मांगता है। इसको आज हम इसको अनलॉक करेंगे। ये हमारा मॉडल नंबर है A11K जी। दोस्तों इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको सिम को ऑन करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या बता रहा है। यहाँ पर सिम ऑन करने के बाद में दोस्तों देखिए यहाँ पर नेटवर्क लॉक बोलकर ये लॉक का सिंबल आ गया। उसके बाद में हम क्या करेंगे, अपना अनलॉक कोड बाय करेंगे। ये हमारा बाय किया हुआ कोड है, इसको हम अब इसमें डालेंगे इस फोन में। तो चलिए इसको हम डालते हैं *#39888#91#। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या 16 डिजिट का जो अंक का कोड है वो हम इसमें डाल देंगे और ओके कर देंगे। चलिए हम डालते हैं। ओके कर दिए या अनलॉक बता दिया। अब हम इसको देखेंगे नेटवर्क क्यों नहीं आ रहा है, देखेंगे नेटवर्क आ रहा है कि नहीं। उसके बाद सबसे पहले जाकर सिम को फिर से हम ऑन करेंगे। सेटिंग में जाएंगे, सिम सेक्शन में जाकर इसको सिम को ऑन करेंगे। अब देख क्या दिखा रहा है, इसको देखिए थोड़ा। देखिए दोस्तों ये ऑन हो गया, पहले ऑन नहीं हो रहा था और लॉक का सिंबल आगे आ रहा था, अब नहीं आ रहा है। लॉक भी हो गया, अनलॉक भी हो गया, इसमें टावर भी आ गया। अब इसको हम एक बार क्या करेंगे, बैलेंस चेक करके देखेंगे हमारा सिम चालू हुआ कि नहीं। *400#calling देखिए हमारा ये बैलेंस दिखा दिया हमारे सिम में, इसका अर्थ हमारा अनलॉक हो चुका है हमारा सेट। चलिए इसको हम एक बार ऑफ करके ऑन रिस्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं फिर से सिम उठाया कि नहीं उठाया। चलिए हम थोड़ा वीडियो को फास्ट कर दे रहे हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर नमस्ते, हमारा नमस्ते का NTC का सिम का नेटवर्क भी आ गया है, नमस्ते भी लिख दिया है।